बिहार सरकार ने 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की जाने के बाद सभी जगहों पर अफरा तफरी का माहौल है। लोग राशन की दुकानों पर लंबी भीड़ लगाकर राशन लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद चारों तरफ कोहराम मच गया है। दवा, राशन, सब्जी और जरूरी सामानों की दुकानों पर उमड़ रही है भीड़ और लोग परेशान और हलाकान हैं। एक ओर जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे राज्य को सरकार द्वारा आइसोलेट किए जाने का फैसला जनता के हित में लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में राशन खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि दुकानदारों के द्वारा कालाबाजारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनमाने दामों में खाने पीने के सामान का दाम लिया जा रहा है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि दुकानदारों के द्वारा लूट मचाया जा रहा है, इसलिए जिला प्रशासन से वो मांग करते हैं कि जो दामों में पहले बिक्री की जा रही थी वही दामों में लोगों को सामान मिले। हाँ, सब महंगा करके बेच रहे हैं। रिफाइंड का दाम बढ़ गया है, सरसों तेल का दाम बढ़ गया है, चीनी का दाम, आलू का दाम बढ़ गया है, सब्जी वाला लूट रहा है। यहाँ 30 का प्याज बिक रहा है तो नए गोदाम में 40 का प्याज बिक रहा है। इस संदर्भ में गया के डीएम अभिषेक कुमार सिंह ने कहा कि कालाबाजारी के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाया है और आदेश दिया गया है कि टीम घूम घूम के निर्देश दिया गया है कि रेट को चेक करेगी। उन्होंने कहा कि अनिश्चित तौर पर उसका अनुपालन किया जाएगा। साथ ही साथ कंट्रोल रूम का नंबर भी बताया है जिसका नंबर है 0631-222-259। इस नंबर पर लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि जो कालाबाजारी की जा रही है उन जगहों पर छापेमारी की जाएगी और साथ ही साथ किराना स्टोर को बोला गया है कि वह कल से रेट लिस्ट में जो मेन आइटम है उसको दिया जाए। कालाबाजारी को लेकर क्या है? कालाबाजारी के लिए हम लोगों ने एसडीएम लेवल पे एक टीम बनाया है और डायरेक्शन दिया है कि टीम घूम घूम के रेट्स को चेक करेगी, सुनिश्चित करेगी उसका अनुपालन हो। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जिसका नंबर 222-222-259 है उस पे लोग कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद उस जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में सभी किराना स्टोर जो कि उनको बोला गया है कल से वो रेट लिस्ट जो मेजर आइटम्स जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उसका अपने यहाँ पर उसको भी रखेंगे, डिस्प्ले पे रखेंगे या उनके पास रखेंगे जिसको कि लोग मांग सकते हैं, देख सकते हैं, उसके आधार पर लोग पे करेंगे। फल और सब्जी के लिए भी हम लोगों का एक प्रयास है कि किस तरह से एक कोई मूल्य जो औसतन मूल्य है उसको हम लोग जगह जगह डिस्प्ले कर सके मंडियों के आसपास ताकि उसका भी कालाबाजारी न किया जा सके।